के बारामूला में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मारे गए 2 आतंकी पाकिस्तान के थे। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान दोनों आतंकियों को मार गिराया और जानकारी के मुताबिक बारामूला के एक इलाके में सेना के जवानों को 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना के जवानों ने आतंकियों को घेर लिया था और दोनों तरफ से जारी गोलीबारी में आतंकी ढेर कर दिए गए। फिलहाल बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है, सुरक्षा बलों की तैनाती है। सुरक्षा बलों ने यहां पर 3 आतंकियों को ढेर भी कर दिया है, तो बड़ी कामयाबी एक तरीके से सुरक्षा बलों के हाथ जो लगी है। और पाकिस्तान के 2 आतंकी बताए जा रहे हैं, एक आतंकी की घायल तस्वीर भी सामने आई, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और यही वो घर था जिसमें पनाह लेकर लगातार फायरिंग की जा रही थी इन आतंकियों द्वारा। देखिए फायरिंग की आवाज भी आपको साफ सुनाई देगी और एक नहीं बल्कि कई राउंड फायरिंग यहां पर लगातार इसी तरीके से की गई है। उसके बाद मुठभेड़ यहां पर सामने आती है। वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से फायरिंग लगातार की गई और आतंकी लगातार फायर कर रहे थे। फायरिंग की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी और ऐसे में जो झाड़ियां होती हैं, जो जंगली क्षेत्र होते हैं, वहां का सहारा लेते हैं खास तौर पर आतंकी, और ऐसे ही क्षेत्रों को उनकी ओर से ढूंढा भी जाता है ताकि वहां से आसानी से वो अपने टारगेट को अपना शिकार बना सकें। और इसी वजह उनसे जंगलों में या फिर खाली घरों में अक्सर उनकी ओर से छिपा जाता है और वहां पर छिप कर ही पूरी साजिश रची जाती है। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।